क्स क्वेश्चन क्वेश्चन इज ब्लॉक ऑफ टू के जीज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग के इजगल टू हंड्रेड न्यूटन पर मीटर सवाल है वॉट इज द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग सेकेंड पार्ट है सवाल का इफर वन के जी इज एडिड टू द ब्लॉक वॉट वुड बी द फर्दर इलोंगेशन हालाइट तो स्प्रिंग उसका आसान सवाल है uh, हमने इस uh, जी right, को सस्पेंड किया हुआ है सो स्नैरियो ये है कि आपकी सीलिंग है ये आपकी स्प्रिंग है यहाँ पे आपने 2 के को वो किया हुआ है के की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर है हमें बताना है इसमें एक्स कितना होएगा ना ये अपने को बात पता है के एक्स जो आपका फोर्स है उसको हम के एक्स लिख देंगे सो so, अगर इसका एफ बनाएंगे तो नीचे आपका एम लग रहा है ऊपर आपका के ये फोर्स लग रहा है के स्मॉल के ले लेते हैं ठीक है सो इसका मतलब ये है कि के एक्स विल बी इक्वल टू एम जी विच एम्प्लाईज़ एक्स विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई के और एम जी हो जाएगा टू मल्टीप्लाइड बाई टेन डिवाइडेड बाई के आपका हंड्रेड है सो दिस कम्स आउट टू बी जीरो पॉइंट टू मीटर यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा नाउ uh, अब उसके बाद हमने सेकेंड स्नैरियो में क्या किया कि यहाँ पे एक किलो का ब्लॉक और रख दिया उसके ऊपर ये वन केजी का ब्लॉक uh, आपने यहाँ पे उसके ऊपर और uh, रख दिया है न इस केस में जो आपका इलॉन्गेशन होएगा तो पहले ही ऑलरेडी उसमें पॉइंट टू मीटर का एलोंगेशन आ चुका है अब ये इलॉन्गेशन आपका एक्स डैश हो जाएगा जो कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा और हमें बताना है फर्दर uh, इलोंगेशन क्या होएगा ठीक है सो फर्दर इलोंगेशन जो है उसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं के फाइनल इलोंगेशन जो है वो के एक्स डैश जो है दैट विल बी इक्वल टू एम जी सो एक्स डैश जो है वो आ गया एम जी यानी कि टू प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय जी डिवाइड बाई के सो दिस विल भी इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड सॉरी मल्टीप्लाईड बाई टेन डिवाइडेड बाय हंड्रेड सो दिस विल भी इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री तो टोटल आपका ज़ीरो पॉइंट थ्री मीटर हो गया ना और डेल्टा एक्स जो है जो फर्दर इलॉन्गेशन आया वो हो गया आपका एक्स डैश माइनस एक्स क्योंकि ये पहले ही आ चुका था ऑलरेडी ठीक है सो दिस विल भी इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री माइनस जीरो पॉइंट टू सो देट विल भी इक्वल टू जीरो पॉइंट वन मीटर हाँ सो देट विल भी हर फर्दर इलोंगेशन